So welcome back to my channel, Alisha Rajput. And guess what? I'm right now on Swami Vivekananda Airport. कहाँ जा रही हूँ मैं? So I am going to Patna, जहाँ मैं explore करने वाली हूँ ये vlog, Patna experience and Patna food vlogging. So stay tuned. I have the chicken done. Let me show you my tickets. Done with all precautions and my flight is at 5:30. अभी हो रहा है 4:30, सो जल्दी से जाते हैं, पटना पहुँचते हैं और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको पटना में बताऊँगी. सो बाय बाय, टेक केयर. सो बडीज, आई रीच पटना एयरपोर्ट और यहाँ मुझे लेने आई है पटना की रैपर कोहिनूर. बनता है और तुम्हारा बोले सब खैरियत. मैंने इन्हीं से सीखा है. और कहाँ गया मोक्ष आ गया. और एक और आया है महान मुझे लेने के लिए, वो बहुत ही अच्छा है, मोक्ष. I will show you. The next day. Hey yeah buddies, so day one in Patna and healthy breakfast make your day fit. So आज है day one पटना का और हम जाएंगे कहाँ कहाँ घूमने, ये मैं आपको vlog में चलते चलते बताते जाऊंगी. अभी सारा suspense खोल दूंगी तो क्या. So stay fit and be fit. हम जा रहे हैं महावीर मंदिर. हाँ. अभी का स्पॉट है तो चलते हैं. चलते बात करते हैं. मास्क लगाना मत भूलो, कोरोना टाइम. हम गरीब है, हम पैदल चलते हैं. बड़ी दिन की शुरुआत करते हैं मंदिर से. इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है पटना में. महावीर मंदिर नहीं आए तो आप क्या पटना आए. तो हम आए हुए हैं महावीर मंदिर और मैं आपको बता नहीं सकती यहाँ मुझे कितना पीस और शांति मिल रहा है. ऐसे मेरे फेवरेट भगवान जी भी है. सो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना तो भूल ही गई यार. इनको क्या इंट्रोड्यूस करना, ये है पटना की रैपर कोहिनूर. और जो वीडियो ले रहे हैं ना वो यहाँ के सीनोग्राफर है. मैं आपको दिखाती हूँ, इट्स मोक्ष. हाय मोक्ष, व्हाट्सअप. तो मैं आपको ये लोकेशन दिखा रही हूँ, मंदिर दिखा रही हूँ. बहुत ही प्यारा मंदिर है ये. जब शबरी ने राम जी को बैर खिलाए थे तो तब का है. सही बोली आप, बहुत ही प्यारा है. हरे लक्ष्मण जी, ये लक्ष्मण जी राम जी और वो बैर देखिए उनके हाथ में है. इफ यू कैन इंसिस्ट, अगर आप पटना है तो प्लीज महावीर मंदिर जरूर आइए. तो गाइस ये है विराट रामायण मंदिर जो कि यहाँ पर अभी बनने वाला है एंड आई थिंक इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट जल्दी हो जाएगा. सीधा ब्यूटीफुल नेचर आई थिंक, मतलब मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि ये कितना प्यारा बनेगा.
वरी, वी रीच्ड अवर सेकंड लोकेशन बुद्धा स्मृति पार्क, और ये पटना का फेमस पार्क है, तो मैं यहाँ आई घूमने के लिए। देखते हैं अंदर क्या है और जाने मिलता है या नहीं, क्योंकि ये कोरोना टाइम है। सो कोहिनूर, तुम क्या BTS ले रहे हो यार, चलो घुमाओ पटना आई हुई हूँ मैं ऐसे ही, मतलब कुछ भी। तो हम एंट्री मार चुके हैं, पहले ही सारी चेकिंग हो गई, चॉकलेट्स निकाल दिए गए, अब खाएंगे क्या अंदर। चलो अभी कोई नहीं चेकिंग करवा ली। इट्स बुद्धा पार्क एंड ये हिस्ट्री से रिलेटेड है आई थिंक, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना है, तो मैं सोची मैं यहाँ जरूर आऊँ। तो चलो देखते हैं। चलो रिमेन्स ऑफ बांकीपुर जेल, ये एक ऐसा जेल है जहाँ पर 1994 ईस्वी में और 1895 ईस्वी में बंदी रहे थे लोग। आई मीन बहुत पुराना है, हिस्टोरिकल प्लेस, दैट्स माय फेवरेट प्लेसेस। तो चलते हैं देखते हैं कैसे है। बर्थडे को तो बहुत प्यारा लोकेशन है ना। आ जाओ कोई ना। कितने ज्यादा पुराने हैं, तो ये जेल 1885 का है। हाँ 1885, और अभी उसके कुछ रिमेन्स बचे हैं। हाँ, इसी के लिए इसी को सराउंड करके पूरा पार्क बना दिया। बहुत ही प्यारा है। इसमें क्या जेल कैदी वगैरह लोग रहते थे? हाँ, तो उस समय रहते थे, पर अब तो बस ये सिर्फ एक छोटा पार्ट ही कहिए जो इसमें बचा हुआ है, और इस पार्क के अंदर बना दिया गया है। कोहिनूर को खुद पता नहीं है। कोहिनूर को खुद पता नहीं है, वो पटना की रहकर भी उसको कुछ नहीं पता है कि वो कहाँ है। कहाँ हो कोहिनूर अभी? ये क्या चीज है? ये फूल है? ये क्या चीज है कोहिनूर? Beautiful place. Even didn't know that कि ये क्या है पटना में रहकर। आप shame on you. बहुत प्यारा है ना दी। आपने देखा, ये पटना का सबसे ऊंचा बिल्डिंग है। हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं चल चल के, और हमको चाहिए एनर्जी, और एनर्जी मिलेगी इनसे। सवेता द्वार। हाँ गाइस, बंद है ये तो। कोई बात नहीं, सो गाइस,
हम जा रहे हैं गोलघर अभी, बिकॉज ये तो बंद था, बट होपफुली वहाँ अच्छा होगा। मेरा भविष्य पता है बेकार है तो काहे को देखूंगा। सो गाइस, ये है हमारा थर्ड स्पॉट, गोलघर ऑफ पटना। ये एक्चुअली यहाँ पे पहले अनाज रखते थे, अकबर के टाइम पे भी नहीं, अंग्रेजों के टाइम पर इसमें अनाज रखा जाता था 17 के टाइम पे। काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा होगा अन्ना घर, आप सोच सकते हो उस टाइम के लोग इतने बड़े बड़े और इतने इकट्ठे होंगे, जो इतना बड़ा अनाज घर बनाना पड़ा उनको खाने के लिए। और बात यह है कि ये बंद है, नहीं तो हम ऊपर जाके पूरा पटना देख सकते थे। दिस इज कोरोना टाइम, इतने बंद है ये, हम नहीं जा सकते ऊपर, तो हम नेक्स्ट स्पॉट पे जा रहे हैं, वहाँ चलते हैं। यहाँ काइंड ऑफ सारा सामान स्टोर होता था भी। Okay, सारा सामान हाँ, स्टोर सारा खाने का अनाज होता था, सारा चीज यहाँ स्टोर करके रखते थे। ईंटें वगैरह कितनी मजबूत होते ना, जो अभी तक हैं, और आज के घर तो बस भूकंप आया नहीं कि गिर गए। कितना बड़ा ये है, बहुत मजा। ताला तो अभी करा, बट ये सब तो पहले का है ना। ये पता है, ये वो होता होगा जिसमें हटा के नहीं देखते हैं। नहीं नहीं, हाँ हाँ सही। यहाँ पे भी मोहब्बत चल रही है, मोहब्बत फुल ऑन प्यार है, फुल ऑन प्यार है, बस और कुछ नहीं। अलीशा दी शूट कर लें। सो गाइस, हम अपने फोर्थ लोकेशन में पहुंच चुके हैं, दरभंगा हाउस बिजनेस। अगर आपको याद होगा तो हाफ गर्लफ्रेंड की शूटिंग यहाँ पे हुई थी, श्रद्धा कपूर यहाँ पे रुकी हुई थी 6 दिन तक। और चॉकलेट पहले खाना है फिर ब्लॉग बनाना है, तो सबसे बेस्ट सीन जो है, जो मैं एंजॉय कर रही हूँ अभी, आप देखिए आप बस सीन्स के मजे। और ये दरभंगा नरेश से जुड़ा हुआ है थोड़ा। Okay, दरभंगा नरेश से जुड़ा हुआ है ये, और मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली यहाँ की जो ये बिल्डिंग्स जो होती है ना, ये पुरानी पुरानी सी, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। गाइस, मैं अभी जा रही थी फिफ्थ लोकेशन पे, बट मुझे ये मंदिर के बारे में पता चला और मुझे बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगा। इस मंदिर के अंदर माता जी का मंदिर है और मंदिर के अंदर दरगाह है, इसी के अंदर के रास्ते से, अंदर के रास्ते से अगर आप जाएंगे तो वो दरगाह है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, आई मीन इट्स सो यूनिक। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा मुझे, जहाँ पर जातिवाद को या कास्ट को सबको मिला दिया गया है। इट्स द ब्यूटीएस्ट प्लेस, आई थिंक मेरे को पटना का ये बेस्ट प्लेस लगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ आकर।
और ये सब जगह बहुत लोग जानते नहीं है। और प्री पता है इस जगह का खूबसूरती यही है ना कि ये सब कम लोग के पास बहुत कम लोग ये चीज़ को जानते हैं। एंड आई होप कि मेरे ब्लॉग को देख के यहाँ बहुत लोग आए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पीस मिल रहा है यहाँ पर आकर कि दरगाह भी है और मंदिर भी है। तो गाइस हम यहाँ पे घूम चुके हैं, अब हमारा फिफ्थ लोकेशन है गुरुद्वारे, पटना का गुरुद्वारे, वहाँ अभी हम जा रहे हैं। टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है 4 o'clock, बट देखते हैं कितने और जगह को कवर कर पाते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, इस व्लॉग में मैंने बहुत सारे शायरी वीडियोस भी बनाए हैं जो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे देखने मिल जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड। तो बड़ीज हम आ चुके हैं मेन गुरुद्वारे में, मैं यहीं से फील कर सकती हूँ पॉजिटिव वाइब्स, तो चलते हैं अंदर। क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, आकर गलती तो नहीं करी, बट अभी मुझे लग रहा है कि मैंने आकर बहुत ज़्यादा अच्छा किया, क्योंकि यहाँ जो पीस है ना वो मैं फील कर पा रही हूँ। अभी तो ये ब्लॉग खत्म होने जा रहा है, आई थिंक यू थिंक नो नॉट एट ऑल एकदम भी नहीं, हम शायद कंटिन्यू कल, क्योंकि अभी रात हो चुका है और घर जाना भी जरूरी है। तो रात में हम लोग का जो भी मस्ती करेंगे हम वो भी ब्लॉग में इंक्लूड कर देंगे, सो स्टे ट्यून्ड।